हेलो टू एवरीवन। स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हम ये करेंगे आज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल मिलता है। ठीक है, इन जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें हम अलग अलग टाइप के काम करते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जो लेटेस्ट है वो है 2019 का। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 2019 का है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, इसमें हमें ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पहला पढ़ेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वर्ड किन किन काम में आता है? ये हम वर्ड में जो काम करते हैं वो करते हैं लेटर टाइपिंग। ठीक है, लेटर टाइपिंग वगैरह करते हैं इसमें। इसमें काम जो होते हैं वो टाइपिंग के रिलेटेड हैं। ठीक है, लेटर टाइपिंग हो गया। बाकी सब चीजें जो हमने हमने टाइप करनी होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है, ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन आती है, ठीक है, जो भी आप सेव करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसकी पहचान कहाँ से होगी उस फाइल की? फॉर एग्जाम्पल, आपने सेव किया किसी भी नाम से, ठीक है, उमंग के नाम से सेव कर दी फाइल, उमंग के नाम से, कि उसके साथ आएगा .doc, ठीक है, x, दैट मीन्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। ठीक है, जो 2007 के पहले का वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आती थी वो खाली .doc आती थी। ठीक है, जो अब 2007 और 2019 का वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके उसके साथ में एक्स लिखा आता है। ठीक है, उसके साथ .doc के नाम से आती है वो फाइल। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन .doc आती है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो जूम कर सकते हो आप, ठीक है, जो वर्ड के अंदर जो पेज है उसे जो आप जूम कर सकते हो वो है 100 से लेके 500 तक। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, 100 से लेके 500% तक आप उसे जूम कर सकते हो वर्ड के अंदर। ठीक है, और जो फाइल एग्जीक्यूट करती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, उसे कहते हैं विनवर्ड। ठीक है, विनवर्ड जो फाइल है ये एग्जीक्यूट करती है वर्ड को। ठीक है, अच्छा, फिर है हमारा डिफॉल्ट फाइल नेम। डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है हमारे वर्ड के अंदर? ठीक, अगर आप उसे सेव ना करो और वहां पे जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम लिखा आता है document 1, ठीक है, document 1 के नाम से डिफॉल्ट फाइल नेम होता है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक, और डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट होती है, पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब ये ऐसे। ठीक है, हम चाहे तो इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इसकी ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। ठीक, ये सिंपल है, सिंपल है। ये चीजें आपको पीडीएफ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, उसके साथ साथ में ये चीजें याद रखना, ये किसी किताब के अंदर नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, आप लोग इसका लाइव डेमो देखना चाहते हो? मुझे मुझे बताएं आप लोग, आप लाइव देखना चाहते हो? लाइव बताऊं आप लोगों को मैं वर्ड की कोई फाइल खोल के बताऊं?
ये जो मैंने फाइल खोली है ना, ये है वर्ड की फाइल, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ठीक है। इसमें हम क्या चीजें सीखेंगे, इस एरिया को ना, ये आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, मुझे बता दें प्लीज, स्क्रीन दिख रही है ना पूरी की पूरी। इस एरिया को हम कहते हैं रिबन, ठीक है, इस एरिया को कहते हैं रिबन, ठीक है। यहां पे आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको, इस एरिया को कहेंगे हम रिबन एरिया, ठीक है। ये इतने इतने एरिया को, ये है रिबन, ठीक है। ये हमारा सेव का बटन रहता है, सेव, ठीक है, ये, ठीक है, और ये जो ऊपर की बार है ना, ये ऊपर की जो बार है, इसे इसे हम कहेंगे टाइटल बार, ठीक है, ये हमारी टाइटल बार है। फिर उसके नीचे ये है हमारी मेन्यू बार, ठीक है, ये है हमारी मेन्यू बार, ठीक। यहाँ पे हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मिलता है, मिनिमाइज, ये मिनिमाइज का होता है, ये मैक्सिमाइज का, और ये क्लोज का बटन है, ठीक है। और नीचे आपको जो मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा करंट पेज की लोकेशन, कि ये पेज वन ऑफ वन है, ठीक है, ये है करंट पेज की लोकेशन। यहां पे आपको टास्क बार मिलेगी, ठीक है, टास्क बार मिलेगी, यहाँ पे टास्क बार मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल बार, टास्क बार आपको दिख नहीं रही है, वो इसके नीचे है टास्क बार, ठीक है, टास्क बार इसके नीचे है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो मिलता है ऑप्शन, यहाँ पे जो नीचे स्क्रॉल होगा ना, उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। वो भी आपको दिख नहीं रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, ठीक है, आपको नहीं दिख रहे, बट वो मेरी तरफ से, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिलेगी, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिख रही है यहाँ पे, इसे कहेंगे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसे आप डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को लेफ्ट और राइट कर सकते हो पूरे को, पूरे को, ठीक है। और ये जो ऑप्शन होता है, ये बोल्ड का, ये इटैलिक का, ये अंडरलाइन का, ये स्ट्राइक थ्रू का, ठीक है, ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, ये उनके ऑप्शन है, ठीक है, ये आगे बताऊंगा इनके शॉर्टकट्स में। यहां से आप जो साइज है अपने लेटर्स का, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप जो स्पेसिंग होती है वर्ड्स में, उसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे अगर चाहो तो नो स्पेसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हेडिंग देनी है, हेडिंग वन, हेडिंग टू, टाइटल देना है अगर कोई आपने, सब टाइटल देना है, ठीक है, ये सब उनके ऑप्शन है, ठीक है।
अच्छा, तो सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं जब लेटर ऐसे लिखा आता है, ठीक है, ऐसे इसे कहेंगे हम सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक्स लिखना है, उसकी पावर 2 लिखनी है, इसे कहेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, जब लेटर को आपने ऐसे लिखा उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू किया, इसे कहेंगे स्ट्राइक थ्रू। ये अलाइनमेंट होती है, ठीक है, वर्ड्स की, लाइंस की अलाइनमेंट होती है। ठीक है, आप उसे सेंटर में अलाइन कर सकते हो, राइट, इसके शॉर्टकट बताऊंगा कीज अभी, ठीक है, सेंटर में अलाइन कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो उसको, ठीक। फिर लाइन स्पेस ये 12 पॉइंट्स की रहती है। हैंगिंग इंटेंट आफ्टर लीविंग फर्स्ट लाइन वी यूज पैराग्राफ, ठीक है। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, आपने कुछ टाइप किया, आपने टाइप किया कुछ, फिर जब आप टाइप करते हो तो आप पहले, ये डॉक्यूमेंट है अगर आपका, तो आपने अगर कुछ टाइप किया तो आप वहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टाइप करते हो, फिर दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट करते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये जो स्पेस आपने रखी इसे कहेंगे इंटेंट, ठीक है, इसे इंटेंट कहेंगे, इसे इंटेंट कहते हैं। ठीक है, फिर आपको एडिटिंग ऑफ एडिटिंग जैसे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, इसके ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट, हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हो आप, विच प्रोवाइड्स लिंक ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू आप किसी और डॉक्यूमेंट का यहां से सीधा लिंक दे सकते हो, ठीक है। पेज लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने बताई, जैसे पोर्ट्रेट होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मिलेगी आपको डॉक्यूमेंट उसमें वर्ड में, आप उसको लैंडस्केप कर सकते हो। पेपर का साइज, ठीक है, जो ये साइज है ना, जैसे ये A4 है, इसको आप डिक्रीज कर सकते हो, A3 कर सकते हो, A5 कर सकते हो, ठीक है, ये सब आपके हाथ में। फिर है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन किसे कहते हैं, बाइंडिंग एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट टॉप एंड लेफ्ट, गटर मार्जिन किसे कहेंगे। जैसे ये मैंने, ये बेसिकली पावर पॉइंट में है, ठीक है, ये पावर पॉइंट में है, ठीक है, तो इसमें ये वर्ड की तरह काम नहीं करेगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा, इसमें बताने की कोशिश करूंगा आपको। गटर मार्जिन जैसे यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड स्पेस छोड़ी छोड़ी और ऊपर की जो स्पेस छोड़ी है, इन दोनों को मिला के जो स्पेस छोड़ी है कुल मिला के, इसे कहते हैं हम गटर मार्जिन, ठीक है, इसे कहेंगे हम गटर मार्जिन, ठीक है, गटर मार्जिन, ठीक है, ये हमें छोड़नी छोड़नी पड़ती है ये लाइन, ठीक है। अच्छा, फिर ड्रॉप कैप, अ लार्ज लेटर एट द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट ये 3 लाइंस का रहता है, मैक्सिमम आप 10 लाइंस तक लेके जा सकते हो। ये ड्रॉप कैप क्या होती है, ड्रॉप कैप क्या होती है, बेसिकली जब आप कोई कुछ कोई चीज आपने लिखी, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक पहला वर्ड है उसे बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद आपने कुछ टाइप करना है ए से, ठीक है, जैसे ए लाइन, ठीक है, टाइप किया, ये पहली लाइन यहाँ पे खत्म होगी, फिर से दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, फिर से तीसरी लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो पहले का वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड रहेगा, वो जो मैक्सिमम है आप इंक्रीज कर सकते हो 3 लाइंस तक, ठीक है, यहां से आप 3 लाइंस तक इसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। हाँ, अगर मैक्सिमम आप इसे इंक्रीज करना चाहो तो आप इसे 10 लाइंस तक इंक्रीज कर सकते हो फर्स्ट वर्ड को, इसे कहेंगे हम ड्रॉप कैप, ठीक है, इसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं, ठीक है, जो पहले का आपने कैपिटल वर्ड रखना है, ठीक है, उसके साथ बाकी लाइनें स्टार्ट करनी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 3 का आता है, अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहो तो ये 10 लाइन तक जा सकता है ड्रॉप कैप, ठीक है, यह आया समझ आपको ड्रॉप कैप।
ओके, फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है मेल मर्ज का, ठीक है, मेल मर्ज का, एड्रेस स्टोर्ड इन डाटा सोर्स यूज टू सेंड अ सेम लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पर्सन। आप मेल मर्ज कब करते हो, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपने वो मल्टीपल पर्सन को यही डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो आप उस वर्ड में एक ऑप्शन आता है मेल मर्ज का, आप उस डॉक्यूमेंट को मेल के साथ मर्ज कर सकते हो और उन बंदों के एड्रेस, ठीक है, उन बंदों के एड्रेस डाल सकते हो और जब बाद में आप उन मल्टीपल बंदों को ये डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, ठीक है, इस ऑप्शन को कहेंगे मेल मर्ज। ठीक है, मैक्रोज आपको बताया मैंने, यूज टू टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपने टाइप किया है उसकी ये रिकॉर्डिंग होती रहती है उसके साथ साथ में, उसे कहेंगे मेल मर्ज, ठीक है, मैक्रोज। ठीक, और मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है, Alt+F8, ठीक है, Alt और F8 को आप पे प्रेस करना है तो ये मैक्रोज का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नोट पैड में क्या होता है, आप अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, ये टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, उसे कहेंगे हम नोट पैड। फिर हमारी शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज ये काम कैसे करते हैं, अगर आप कोई आपने कोई भी चीज आपने लिखी, ठीक है, कोई भी चीज आपने टेक्स्ट कोई भी लिखा, तो उसके बाद आपको सारे जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपने सबको सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, Ctrl+A को दबाओगे तो ये सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, जितना कंटेंट है आपके पेज में वो सारा का सारा हाईलाइटेड हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है Ctrl+B, आपने कुछ लिखा उसे अगर आपने बोल्ड की फॉर्म में लाना है, जैसे मैं आप करके बताता हूँ, ये ना ये आ गया, अब आप दबाओगे Ctrl+B, ठीक है, ये बोल्ड हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा शॉर्टकट का ऑप्शन, ठीक है, ये आ गया समझ, Ctrl+B। अगर किसी टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है, आप दबाओ, आप उसे पहले हाईलाइट करोगे, जैसे मैंने अभी किया, हाईलाइट करोगे, उसके बाद आप Ctrl+C को प्रेस करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। फिर अगर आप एक कट करना है, वहां से उस चीज को हटाना है, ठीक है, आपने उस चीज को वहां से हटाना है तो आप Ctrl+ पहले हाईलाइट करोगे, उतने उतने टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे, फिर Ctrl+X दबाओगे तो वो वहां से कट हो जाएगा, ठीक है, वो वहां से कट हो जाएगा। फिर आपने अगर उसे पेस्ट करना है कहीं और, तो Ctrl+V का ऑप्शन आता है, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V को प्रेस करना है तो वो आप उस टेक्स्ट को कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप Ctrl+N को दबाओगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है, आपके वर्ड में, ठीक है। अगर आपने कोई ऑप्शंस खोलने हैं, ऑप्शंस, Ctrl+O को दबाओगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को, आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया, अगर आपने उसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P को प्रेस करोगे तो ये ओपन करेगा आपके पास, ओपन द प्रिंट विंडो, ये प्रिंट विंडो आपके सामने आ जाएगी, आप वहां पे जैसा भी डॉक्यूमेंट चाहो उसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई फाइंड बॉक्स, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है आपने, तो फाइंड बॉक्स आपको ओपन करना है तो Ctrl+F, ठीक है, Ctrl+F को आपने प्रेस करना है, ठीक है। अगर आपने इस टेक्स्ट को इटैलिक, ठीक है, इटैलिक की फॉर्म में, ठीक, अगर इसको लाना है, जैसे मैं आपको करके बताता हूं अभी, इटैलिक में ये मैंने इटैलिक, ठीक है, अब मैं Ctrl+I को दबाऊंगा, ये इटैलिक की फॉर्म में चला गया, ठीक है, उस स्टाइल में चला गया, ठीक है। अगर आपने किसी टेक्स्ट पे लिंक को इंसर्ट करना है तो Ctrl+K को आप प्रेस करोगे, Ctrl+K को प्रेस करोगे, ठीक। अगर आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U को प्रेस करोगे, ठीक है, ये मैं आपको करके बताता हूं अभी, ठीक। आपने इनको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है, ये मैं शॉर्टकट कीज को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं, बट आपने एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको शॉर्टकट कीज पूछेंगे वो, ठीक है, तो आपको ये कीज पता होनी चाहिए सबको। फिर है रीडू, रीडू और अंडू,
ठीक है, रीडू, कंट्रोल प्लस वाई को करोगे तो रीडू आएगा, कंट्रोल प्लस जेड को करोगे तो अंडू आएगा, ठीक है, अंडू आएगा, रीडू और अंडू। रीडू का मतलब आपने कुछ लिखा था, ठीक है, आपने कुछ लिखा था तो वो आपसे डिलीट हो गया, आप उसे रीडू फिर से कर सकते हो, ठीक है। अंडू, जो आप जो चीज, ठीक है, डिलीट हो गई आपसे, अंडू उसे, उसे आप मतलब जो चीज आपने अभी की है उसे अंडू कर सकते हो, उसे आप खत्म कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड से। रीडू जो डिलीट हो गई है उसे वापस ला सकते हो, रीडू कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो ये रीडू होगा कंट्रोल प्लस वाई से और अंडू होगा कंट्रोल प्लस जेड से, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा आपको कंट्रोल प्लस जी से, ठीक है। किसी चीज, किसी टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है तो आप करोगे कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, उसे रिप्लेस कर सकते हो। अब जस्टिफाई मार्जिन, ठीक है, जस्टिफाई पैराग्राफ, पैराग्राफ जस्टिफाई मतलब कंट्रोल प्लस जे, कहने का मतलब जब आप टाइप करोगे, जब आप टाइप करोगे, ठीक है, कुछ भी आपने टाइप किया तो वो ऐसे एक ऑर्डरली फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, वो ऑर्डरली फॉर्म में नहीं होगा, वो कुछ एंड में वो ऐसा लाइंस ना, कुछ लाइंस में ज्यादा लिखा आएगा, कुछ लाइंस में कुछ आगे चला जाएगा टेक्स्ट, कुछ लाइन में कुछ कम होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे उसे कर्सर को रख के कंट्रोल प्लस जे को प्रेस करोगे तो ये सारा एक ही लाइन में ऑर्डरली एक लाइन में हो जाएगा, इसका मतलब है जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होता है, ठीक। और कंट्रोल प्लस एल, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ लाइन टू द लेफ्ट, ठीक है, अगर किसी लाइन को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल करोगे, अगर आपने उसको सेंटर में करना है लाइन को, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाओगे तो वो लाइन सेंटर में आ जाएगी डॉक्यूमेंट के, ठीक। कंट्रोल प्लस आर, ठीक, अलाइन राइट, किसी लाइन को आपने थोड़ा सा राइट में करना है तो उसे पहले सिलेक्ट करोगे, हाईलाइट मतलब सिलेक्ट करके फिर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कंट्रोल प्लस आर से, ठीक है। लेफ्ट बता दिए मैंने आपको, ठीक, यह है कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ आपने लिख लिया, आप इंडेंट करना भूल गए तो आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे फिर कंट्रोल प्लस एम करोगे तो पहले की फिर आपका वो पैराग्राफ इंडेंट हो जाएगा, इंडेंट, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, पहले की स्पेस छोड़ के फिर लाइन स्टार्ट होती है, फिर दूसरी लाइन फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, ये जो स्पेस छोड़ी इसे कहेंगे इंडेंट, ठीक है। यह कंट्रोल प्लस टी, यह हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट। फिर है कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट ऑप्शंस, ठीक है, फॉन्ट ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो आप, उसे इंक्रीज कर सकते हो, उसे डिक्रीज कर सकते हो। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो है, ठीक है, लेस देन का ऑप्शन है, इसे आप इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस वन, ठीक है, उसका साइज प्लस वन, ठीक है, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, ऐसे करके आप उसे जितना भी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट की है, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, ये था इंक्रीज का ऑप्शन, ये है डिक्रीज का, ठीक है, जो सिलेक्टेड फॉन्ट है उसे आप डिक्रीज कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये वन का मतलब अगर वन किया तो वो वन एक पॉइंट होगा, फिर टू करोगे तो फिर उससे ज्यादा डिक्रीज होगा, थ्री करोगे तो उससे ज्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, लेफ्ट एरो, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो वो पूरा का पूरा एक वर्ड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को करते हो, और कंट्रोल प्लस राइट एरो को करते हो तो आपका जो है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो एक वर्ड राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है वो एंड में चला जाएगा, पैराग्राफ के एंड में चला जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट।
अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप कंट्रोल प्लस डिलीट करते हो तो डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है, इससे क्या होगा, राइट ऑफ कर्सर के राइट की साइड में जो एक वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट बैकस्पेस को अगर प्रेस करते हो सिलेक्टेड सिलेक्टेड टेक्स्ट पे तो डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, जो ये कोई लाइन है यहाँ पे कर्सर है, तो आप अगर अगर आप क्या करते हो, मैं करके देखता हूँ, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो है लेफ्ट की साइड पे, ठीक है, लेफ्ट की साइड पे एक वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक, कंट्रोल प्लस एंड, इससे क्या होगा जो कर्सर है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाएगा, डॉक्यूमेंट की एंड में चला जाएगा कर्सर। कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर आपका बिगनिंग में चला जाएगा डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो रीसेट हाइलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट, ठीक है, वो जो जैसा था डिफॉल्ट में था फॉन्ट वो वैसा का वैसा चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसे इंक्रीज किया होगा तो वो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, ठीक है, जो 11 होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस वन को प्रेस करते हो तो सिंगल स्पेस लाइंस, ठीक है, सिंगल स्पेस मिलेगी आपको। अगर कंट्रोल प्लस टू को प्रेस करते हो तो डबल स्पेस लाइन मिलेगी। फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन को करते हो चेंज टेक्स्ट ऑफ हेडिंग वन, ठीक है, जो आपकी हेडिंग वन होगी टेक्स्ट वन की वो चेंज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टू ये चेंज करेगा आपकी टेक्स्ट की हेडिंग टू की, ठीक है, ये थ्री की, ठीक, F1 अगर खाली प्रेस करते हो तो ये एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा ओपन हेल्प हेल्प का, ठीक है, और अगर शिफ्ट प्लस F3 करते हो तो चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, कहने का मतलब अगर ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, अगर वो अगर वो कैपिटल लेटर में है तो वो स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है, अगर वो स्मॉल में है तो वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है, ये केस चेंज करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, अगर वो कैपिटल में है तो वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। और पेस्ट का एक और ऑप्शन है, वो है अगर कट करके या कॉपी करके आपने पेस्ट करना है, इसका एक और ऑप्शन है, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंसर्ट की है, ठीक है, वैसे जो की है वो जो आमतौर में लोग इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल प्लस वी, इसके साथ आप पेस्ट करते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस अवी इसके साथ पेस्ट करते हो, बट जो एक की ओर है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, इससे भी आप पेस्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। एफ फोर को प्रेस करोगे तो रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक, इससे आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो रिपीट कर सकते हो। एफ सेवन, ठीक है, एफ सेवन को अगर आप प्रेस करते हो तो ये स्पेल चेक करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा कि वेदर कोई स्पेलिंग आपने टाइप किया वो गलत तो नहीं है, ठीक है। एफ सेवन, कंट्रोल प्लस एफ सेवन, ये एक्टिवेट द थिरेसिस। थिरेसिस क्या होता है, ये आपको जो आपने वर्ड्स लिखे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है कोई वर्ड, तो आप उस वर्ड का सनानिम देख के सकते हो, वहां से वो वर्ड को चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ये थिरेसिस होता है, आपको सनानिम वर्ड्स देखने को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। अब हम एक्सेल देखेंगे, जो एक्सेल की फाइल है उसमें जो एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंशन वो जो 2007 तक जो वर्जन था इसका एक्सेल का, वहां पे एक्सएल, ठीक है, एक्सएल एस से आती थी, ठीक, अब जो 2019 का वर्जन है उसमें आपको एक्सएल एस एक्स की एक्सटेंशन मिलेगी, ठीक। और जूमिंग देखें तो इसके अंदर जो जूमिंग है वो 10% से लेके 400% तक मिलती है आपको जूमिंग, ठीक है, एक्सेल के अंदर आपको जो जूमिंग मिलेगी वो मिलेगी 10% से लेके 400% तक, ठीक है। फाइल दैट रन्स एक्सेल शीट, जो फाइल रन करती है एक्सेल शीट को उसे कहते हैं excel.exe, ठीक है, excel.exe ये फाइल रन करती है किसको, एक्सेल शीट को, ठीक है, जो एक्सेल शीट होती है उसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है, और स्प्रेडशीट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, यह है सेल, ठीक है, यह है सेल, ये
सेल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम से बनता है, कॉलम्स और रोज, रोज को जब मिलती हैं तो ये क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शीट्स मिलती हैं, स्प्रेडशीट में आपको 3 शीट्स मिलती हैं, ठीक है, 3 शीट्स मिलती हैं बाय डिफॉल्ट। आप इसे इंक्रीज कर सकते हो जितनी भी चाहो, ठीक है। और उस एरिया, जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो उसे कहेंगे वर्कबुक, ठीक है, वर्क एरिया, वो उसे कहेंगे वर्कबुक, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, जो 2003 का वर्जन था, 2003 का वर्जन था उसमें 256 कॉलम्स थे और 65,536 रोज थी, ठीक है। रोज होगी जो ऐसे हैं, कॉलम होगी जो ऐसे हैं, ठीक है, इनको कहेंगे हम रोज, ठीक है, इनको कहेंगे हम, यहाँ पे 1, 2, 3 की नंबरिंग मिलेगी आपको और यहाँ पे ए बी सी डी की नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। इस एरिया को जो ए है, ये क्या है, ये है हमारा कॉलम और ये 1 है, ये हमारी रो, ठीक है, 1, 2, 3 ये हमारी रो, रो में काउंट होता है, ठीक है। फिर जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा 2019 का स्प्रेडशीट का, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो 16,384 कॉलम्स हैं, ठीक है, 10,48,576 रोज हैं, ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अब आपको मैं इसका डेमो बता देता हूं, ठीक है, डेमो बता देता हूं आपको इसका। ठीक है, ये मैंने खोली है स्प्रेडशीट, ठीक, ये मैंने खोली है स्प्रेडशीट, ठीक है, दिख रही है, आई होप कि आप सब लोगों को दिख रही है स्प्रेडशीट। दिख रही है ना, मुझे बता दें प्लीज कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, दिख रही है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम मिलेगा, सेल का नाम मिलेगा, जैसे कि पहला सेल ये है A1, A2, A3, A5, ठीक है, A6, A7। यहाँ पे जो भी फार्मूला आप टाइप करोगे, ठीक, और स्प्रेडशीट किस चीज के लिए यूज होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज और भी वैल्यूज आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे फार्मूलाज लगते हैं काम को आसान करने के लिए, यहाँ पे फार्मूलाज लगते हैं। जैसे ये मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया, दिख रहा है सेल आपको, जो मैंने सेलेक्ट किया, अभी सेल दिख रहा है आप सब लोगों को, क्योंकि मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं अभी, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 85, उसके बाद कुछ और टाइप किया, ये मैं बताऊंगा प्लस कैसे, इसको प्लस कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इन सबको प्लस करना है, तो मुझे फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, इसमें स्प्रेडशीट में फार्मूलाज लगते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाने के, जो भी फार्मूला मैं टाइप करूंगा, ठीक है, जो भी फार्मूला मैं टाइप करूंगा वो यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है, वो इस एरिया में लिखा आएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इन सबका सम करना है, ठीक है, आपने इन सबका सम करना है, तो आप क्या करोगे, जो भी फार्मूला लगेगा एक्सेल में वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, पहले आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता है मैंने इसका सम करना है, इस पूरे का टोटल करना है, तो मैं इज इक्वल, यहाँ पे नीचे मुझे टोटल चाहिए, मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा। जो भी फार्मूला एक्सेल के अंदर आपको लगाना है वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ठीक है, वेदर आपने इसका सम करना है, वेदर आपने इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक, मैं इज इक्वल टू लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो मैं लिखूंगा सम, ठीक है, SUM, और साथ में आपको जो फार्मूला बार है उसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा है ना, सम लिखा। फिर मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगा, ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर
मुझे क्या करना है, मुझे पता है जो पहला सेल है उसका नाम है A1 और लास्ट का सेल है उसका नाम है A6। क्यों? क्योंकि जो इस सेल की जो कॉलम है वो A है और जो रो है वो किसी की 6 है, किसी की 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, बट कॉलम ये A है सारा, ठीक है। फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे A1 से लेके A6 का, ठीक है, A1 से लेके A6 तक मुझे सम चाहिए, सबका टोटल चाहिए, ठीक है। तो मैंने इज इक्वल टू फिर सम टाइप किया, फिर मैंने एक ब्रैकेट लगाई, उसके बाद मैं टाइप करूंगा मुझे कहां से कहां तक इसे सम चाहिए, मुझे चाहिए A1 से लेके, फिर मुझे यहां पे फार्मूला लगाना है, फिर A6 तक मुझे सम चाहिए, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, फिर मैं एंटर कर दूंगा, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल मिल गया 357। ये आगे समझ आपको? ये आपको समझ आ गई इस चीज की? आगे समझ? अब आपने एवरेज निकालनी है इसकी, ठीक है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, एवरेज के बारे में, ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगी। अब एवरेज का भी सिमिलर फॉर्मूला है, बट आपको क्या, अब मैंने ये सारा का सारा टाइप कर लिया है, ठीक है, ये आ गया है। अब मैं इसको पूरे को फिर से ले लूंगा, ठीक है, मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है, एवरेज निकालनी है। मैंने क्या बताया, शुरू होगा ये इज इक्वल टू से फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू से मुझे एवरेज निकालनी है, तो मुझे क्या लिखना है, एवरेज, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, मुझे एवरेज चाहिए इसकी, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, मुझे कहां से लेके कहां की एवरेज चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए सेल A1 से लेके सेल A7 तक मुझे एवरेज चाहिए, मैं टाइप करूंगा A1, ठीक है, फिर यहां पे सेमी कॉलन, फिर A2, फिर ब्रैकेट को मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है, फिर मैं एंटर कर दूंगा, तो मुझे ये सब की सारों की एवरेज मिल गई, ठीक है, मुझे एवरेज मिल गई, ठीक है। ठीक है, ये आ गया समझ? अगर आप, ठीक है, और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे आपने काउंट करना है कि कितने सेल्स हैं उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, आप काउंट का लगा सकते हो फार्मूला, इज इक्वल टू काउंट कहां से लेके कहां तक उसके बीच के जो है आप ढूंढ सकते हो कितने कितने सेल्स के अंदर नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें आएगी इसके अंदर। फिर जो वैल्यू आप टाइप करते हो इसे हम कहेंगे नंबर, ठीक है, जो आपने वैल्यू टाइप की उसे हम कहते हैं नंबर, ठीक है, इसे कहते हैं नंबर, वैल्यू टाइप की इसे कहेंगे नंबर। अगर आपने कोई लेबल, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, आपने लिख दिया ए, आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जेस लिख दिया, यस, ठीक है, यस लिख दिया, इसे हम कहेंगे लेबल, ठीक है, इसे कहेंगे लेबल, ठीक है। जो फार्मूला लगाते हो उसे वो क्या है, वो फंक्शन है, ठीक है, वो है फंक्शन, ठीक है, ये सब चीजें आती है हमारी एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल किसके लिए यूज होता है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अगर कोई आपने डाटा बनाना है टेबल की फॉर्म में तो उसके लिए, ठीक है, इन सब चीजों में एक्सेल यूज होता है। यहाँ पे जूमिंग मैंने बताई, मैक्सिमम जूमिंग इसकी जाती है, देखो मैंने जूम कर रहा हूँ, मैक्सिमम जूमिंग मैंने आपको बताई थी इसकी कहां तक है मैक्सिमम जूमिंग, या 400 तक, ठीक है, मिनिमम जूमिंग है इसकी 10% तक, ठीक है, मिनिमम जूमिंग 10% तक, मैक्सिमम जूमिंग इसकी 400% तक, ठीक है।
और बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शीट्स मिलती है एक्सेल में, ये तीन शीट्स है ना, यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन शीट्स मिलती है एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपको, ठीक है। ये भी आपको दिख रही होंगी, आई होप आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको एक्सेल के फॉर्मूले बताए हैं, फिर है हमारे पास पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट की फाइल आपके सामने खुली है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। पावर पॉइंट की फाइल है। पावर पॉइंट किसके लिए, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है तो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, ठीक है। हम पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं। इसकी एक्सटेंशन आती है पीपीटी, ये 2007 का जो वर्जन था, ठीक है, वर्जन था उसमें आती थी। जो 2007 के बाद का 2019 का जो वर्जन है लेटेस्ट, उसमें आपको मिलेगी .pptx की नाम से फाइल का नाम मिलेगा, ठीक है। इसकी जूमिंग भी, 10% से लेके 400% तक होती है इसकी जूमिंग, ठीक है। और जो फाइल इसे रन करती है वो है पावर पीएनटी, ठीक है। पावर पीएनटी फाइल इसे रन करती है, पावर, हाँ ये आ गई, पावर पीएनटी डॉट ईएक्सई फाइल। ये थी बिफोर 2007 वाली, ये है जो 2019 का हमारा लेटेस्ट वर्जन है, उसे है पावर पीएनटी डॉट ईएक्सई, ये फाइल रन करती है पावर पॉइंट को, ठीक है। ये फाइल रन करती है पावर पॉइंट को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने कोई स्लाइड बनानी है तो यहाँ से आप, ठीक है, पहले जो एक स्लाइड आएगी उसके बाद आपने स्लाइड्स और स्लाइड्स ऐड करनी है, यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन न्यू स्लाइड का, ठीक है। उसका लेआउट चेंज करना है स्लाइड का तो यहाँ से कर सकते हो, रीसेट करना है उसे यहाँ से कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक, बाकी वर्ड की तरह चलती है ये, ठीक है, बाकी वर्ड की तरह चलेगी, बोल्ड इटैलिक, ठीक है। यहां से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। यहां से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज को, ठीक है। ये सब चीजें आती हैं इसमें। अगर कोई चीज इंसर्ट करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है, पीपीटी में, ये इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन है। यहां से आप पिक्चर, टेबल, ठीक है, आप लोग को टेबल इंसर्ट करना है तो ये मैं आपको एक खाली पीपीटी पे करके बताता हूँ। अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है तो ये आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलेगा, जितने मर्जी टेबल यहाँ पे आप बनाइए, ठीक है। ये टेबल का, पिक्चर को इंसर्ट करनी है, ये आ गया पिक्चर, आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप अपने गैलरी में से, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में से कहीं से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। फिर क्लिप आर्ट, कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है इसमें आपको, ठीक है, ये उसका ऑप्शन है, ठीक है, क्लिप आर्ट का, यहाँ से आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, ठीक। फिर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐड करना है। देखिए मैंने आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर मैं अंडू कर दूंगा, इसे वापिस भेज दूंगा आपके पास, ठीक है।
फिर और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इंसर्ट में है, इंसर्ट में ठीक है, फोटो एल्बम ठीक, यहाँ पे कोई चार्ट ऐड करना है आपने, चार्ट फॉर एग्जांपल मैंने कोई ठीक है चार्ट, ये ओके यहाँ पे चार्ट आ गया, थोड़ा सा स्लोली प्रोसेस हो रहा है बट हो जाएगा ठीक है, ये चार्ट ऐड हो गया, यहाँ पे हो गया चार्ट ऐड, दिख रहा है आपको चार्ट, दिख रहा है चार्ट ठीक है, ये आ गया चार्ट ठीक है, कोई शेप्स आपको शेप्स चाहिए कोई ठीक है, यहां से आप शेप्स ला सकते हो, ये इंसर्ट हो जाएगी ये शेप ठीक, किसी भी चीज की ठीक है, इसलिए पावर पॉइंट में लोग जो है वो ज्यादा काम करते हैं, पावर पॉइंट बड़ा काम आता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए ठीक है, इसे मैं अंडू कर दूंगा ठीक है, ये चार्ट आ गया, टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, यहां से आप सिंबल वगैरह लेना चाहते हो कोई ठीक है, सिंबल वगैरह यहां से सिंबल ले सकते हो कोई ठीक है, यहां से आप कोई भी सिंबल उठा सकते हो, पाई का चाहिए, बाकी किसी और का सिंबल चाहिए, डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, रुपी चाहिए, चाइनीज ठीक है, कुछ भी आप यहां से उठा सकते हो, अल्फा बीटा गामा ठीक है, कुछ भी आप यहां से उठा सकते हो ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, वीडियो ऐड करनी है आपने यहाँ पे कोई ठीक है, वीडियो ऐड करनी है वो कर सकते हो, ऑडियो कोई ऐड करनी है वो कर सकते हो ठीक है, मैंने पूरा पीपीटी खोल दिया आपके सामने, डिजाइन ठीक है, आपने डिजाइन अपनी स्लाइड को कोई डिजाइन देना है, मैं डिजाइन चेंज करता हूँ आज आपके लिए ना, ये मैंने डिजाइन ला दिया इस पीपीटी में, पूरी की पूरी पीपीटी चेंज होगी, दिख रही है आप लोगों को ना, दिख रही है पीपीटी, देखो कितना प्यारा डिजाइन ला दिया मैंने, सारे बताएं प्लीज, हाँ दिख रही है ना, नहीं मैंने पूरा का पूरा डिजाइन चेंज कर दिया पीपीटी का, आप बताओ कौन सा रखें, ये रखें, ये अच्छा है ये डिजाइन ठीक है, ठीक है ये डिजाइन रख दिया मैंने, यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो, ट्रांजिशन यहाँ से पेज को आप नन कट फेड पुश, ये पेजेस को आप डिजाइन दे सकते हो यहाँ से ठीक है, एनिमेशन को ऐड करना है आपने यहाँ से कर सकते हो, स्लाइड शो देना आपने यहाँ से स्लाइड शो, बट हम करेंगे नहीं मेरी पीपीटी खराब हो जाएगी ठीक है, इसलिए यहाँ से स्लाइड शो दे सकते हो, फ्रॉम करंट स्लाइड ठीक है, यहाँ से बाकी सब चीजें आप कर सकते हो, ये स्लाइड शो के लिए है पूरा ठीक है, रिव्यू कर सकते हो आप ठीक है, व्यू कर सकते हो ठीक है, ये एनिमेशन स्लाइड शो ये सब चीजें हो गई है ठीक है, यही था बस पीपीटी में पूरा ठीक है, व्यू भी मैंने बता दिया आपको, चेंज करके भी बता दी मैंने, कलर चेंज करना है आपने कोई, ये देखो मैंने चेंज कर दी फिर से ठीक है, अब मैं वापिस ले आता हूँ इसे ठीक है, एक स्टेप आगे ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ, ठीक है, ये था एमएस ऑफिस के बारे में, इसमें कुछ
ज्यादा नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एक इसमें से, वो मुझे पता है शॉर्टकट की से आएगा, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, क्या पूछ लेंगे 10 नंबर में से, ठीक। सिंपल पूछेंगे, जैसे पिछली दफा पूछा था सिंपल इन्होंने, तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनेगा, शॉर्टकट कीज अच्छी तरह कर लेना है एक दफा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। ओके।